आड़ू की मैगी सुना टेस्ट होता है, इसलिए हम लोग भी इधर ट्राई मारने आ गए। इधर मैगी, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे होने का मैं करता हूँ। सो अभी मैं हूँ ट्रेन में, देख सकते हैं मैंने नई दिल्ली से ट्रेन पकड़ी है। सो अभी मैं हूँ उत्तराखंड में, हम लोग घूमने जा रहे हैं नैनीताल वगैरह। सो अभी वही सुबह दिख रहा होगा। सो आज का ब्लॉग में यहीं से स्टार्ट करूँगा। सो अभी मैं लाल कुआ जगह वहाँ पहुँचा, वहाँ से आगे निकल चुकी है ट्रेन। तो सोचा क्यों ना सुबह उबह को ब्लॉग स्टार्ट किया जाए। सो यहीं से स्टार्ट करो। सो आज इस जर्नी में बने रहिएगा, मोबाइल एडवेंचर दिखाऊंगा मैं आप लोग। सो हम लोग हल्द्वानी स्टेशन में पहुंच चुके हैं और निकल चुके हैं बाइक के लिए। रेंट पे बाइक लेंगे और निकल चलेंगे हम लोग नैनीताल की ओर। सो आज ट्रेन लेट थी, तो अभी मैं पहुँचा हूँ 7:30 बज गए लोग, नहीं 6:30 हुई है, मिस्टेक हुई, तो 6:30 हुई है। सो बाइक उठाएंगे और निकल चलेंगे एडवेंचर पे। सो हम लोग हल्द्वानी स्टेशन से आ गए थे इधर और हमने ये देख रेंट पे बाइक ले लिया और नैनीताल के लिए निकल चुके हैं। सो रास्ते में हम लोग देख सकते हैं बाइक बाइक जल्दी चलो जल्दी चलो। और ये हमारा एम्बलेट है और पीछे देख सकते हो भाई पहाढ़ नहीं दिख रही होगी अभी। सो ये देख सकते हो। का डेस्टिनेशन है नीम करौली बाबा के यहाँ, जाना कैची नाम। सो वहाँ के लिए सफ़र जा रही है। अभी 1 घंटे राइड कर चुके हैं हम लोग, आधे घंटे मैं चलाता हूँ, आधे घंटे ये चलाते हैं। सो अभी रास्ते में बने हुए हैं। तो फाइनली हम लोग डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके हैं नीम करौली बाबा के यहाँ कैची धाम पे। सो अभी हम लोग पार्किंग में लगा कर चुके हैं गाड़ी का। सो आगे दूर बढ़ रहे हैं हम लोग। तो ये रही कैची धाम का मार्केट, पीछे देख सकते हो और व्यूज पहाड़ों पर बची हुई देख सकते हो, ये दिख रहा होगा आपको नीचे। ये कैची धाम का है नीम करौली बाबा का आश्रम और हम लोग लगभग पहुँच ही चुके हैं, देख सकते हो। सो ये रही कैची धाम की नीम करौली बाबा की प्रसाद। तो पहले हम लोगों ने दर्शन कर लिए और बाहर निकलते हुए हम लोग भीड़ बढ़ रही पड़ी है लाइने दर्शक हमारे पीछे और इधर रुक कर मैंने। हम लोगों ने दर्शन कर लिए और अब निकल रहे हैं दूसरे डेस्टिनेशन पर नैनीताल में, नैनी लेके वहाँ निकलेंगे। सो हम लोग आज हैं पार्किंग में और पार्किंग से गाड़ी लेंगे और निकलेंगे। हमारे पीछे देख सकते हो निम्बू बाबा का आश्रम है। सो यहाँ से हम लोग को दर्शन वर्शन करके निकल चुके हैं। अंदर का नहीं दिखा सकते क्योंकि अंदर मोबाइल अलाउड नहीं थी। सो इसलिए मैं बाहर मोबाइल रख दिया था और निकल गया था। सो रूल्स और रूल्स। तो हम लोग बाहर निकल चुके हैं कैची धाम से, हम दूसरे डेस्टिनेशन की ओर निकल चुके हैं। हम लोग बाइक बैक लेकर अपना निकल चुके हैं और अगला प्रस्थान होगा हम लोगों का नैनी लेक। हमारे पीछे जस्ट उधर नीम करौली बाबा का आश्रम कैची धाम है। सो वहाँ से हम लोग दर्शन करके निकल चुके हैं आगे की ओर यात्रा को बढ़ाते हुए। तो हम लोग पहुँच चुके हैं नैनीताल में, यह लेक पहाड़ों के बीच में
है लेक। सो ये है नैनी लेक जिसको बोलते हैं। सो यहाँ से हम लोग आ चुके हैं और यहाँ से हम लोग निकलेंगे पहाड़ों वाली मैगी खाने के लिए। सो यहाँ पे मुझे कुछ देर राइडिंग वाइडिंग किया और फिर निकल लिया यहाँ से। सो वो नहीं दिखा सका क्योंकि यार बीच में था झील में, तो फोन वोन गिरने का डर था तो नहीं कर पाया। सो यहाँ से निकलूँगा अब आगे की ओर, जल्दी जारी रखूँगा। तो हम लोग अभी आ चुके हैं पहाड़ों वाली मैगी खाने फर्स्ट टाइम। तो देख सकते हैं साथ में है और पीछे भाई सब देखो पहाड़ों वाली व्यूज। और ये रहे हम। सो हम लोग आ चुके हैं पहाड़ों वाली मैगी खाने और देख सकते हो हमारी मैगी आ चुकी है। पर यार एक्सपेंसिव होती है ये पहाड़ों वाली मैगी, पहाड़ों में खाने में 10 रुपये की मैगी है पर 60 रुपीज़ में इधर मिल रही है। सो यार पहाड़ों की मैगी सुना टेस्ट होता है, इसलिए हम लोग भी ट्राई मारने आगे देख सकते इधर मैगी। आप लोग आओ ट्राई करो पहाड़ों वाली मैगी, तब तक मैं खाता हूँ। पहाड़ों वाली मैगी खाकर निकल लेते हैं। तो 10 किलोमीटर चल चुके हैं। सो इसके बाद रानीबाग एक जगह है, पहुँचेंगे हम लोग पहाड़ों के नीचे आ जाएंगे हम। सो अभी यहाँ से 7-8 किलोमीटर है यहाँ से ट्रेवल करते हैं इसको आस पास। सो यहाँ से 10 किलोमीटर पर एक चला रहा हूँ लगातार, बाइक चलाते रहा चलाते थक गया हूँ यार घूमते घूमते। सो अभी रानीबाग के लिए नीचे देखता हूँ यार, रूट लगता है यार शॉर्टकट मारूंगा भाई शॉर्टकट हो जाऊंगा। सोचते थी बने रहिए लास्ट तक।